ठंडियों का मौसम अच्छा होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो बच्चे को मतलब पूरी सड़क ये क्या कर क्या रहा है ये भाई के बाल। वाह हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यार यहाँ से। तो आज का मौसम अच्छा है तो मैं निकल रहा था अभी अपने ऑफिस के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाते हुए जाए। हेलो दोस्त भाई, क्या कोई नहीं, अपने को कोई पसंद नहीं करता, तो चलो चलते हैं देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है। बाय बाय दोस्त, ये भी भाग गया। तो अपने को बेसिकली कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, कोई ना कोई तो पसंद करेगा, एक दिन ऐसा आएगा। तो ठंडियाँ स्टार्ट हो गई यार दिल्ली में, आपको देख ही रहा होगा। सॉरी हाँ, दिल्ली नोएडा एक ही है, दिल्ली NCR बेसिकली, दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। धुंध भी है, धूप भी जो है वो काफी हल्की है और मौसम भी अच्छा है, मतलब ये ठंडियों का मौसम अच्छा होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों को वहां पढ़ा रहे थे, पता नहीं आया कि नहीं कैमरे में, बट बहुत ही अच्छा था। वो बाहर बैठ के पढ़ा रहे थे, बच्चों को ट्यूशन दे रहे थे या जो भी था, अच्छा था। पढ़ाई जरूरी है भाई, ये मुझे आज समझ आता है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पानी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अंकल पानी वेस्ट कर रहे थे शायद, या पता नहीं। तो यार देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है। मौसम तो काफी अच्छा है, मजा तो आ रहा है राइड करने में, लेकिन काम भी है तो इसलिए ज्यादा दूर जा नहीं सकते, तो काम के सिलसिले में निकलते हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते बनाते चलते हैं। ओ भाई, अरे बच्चे ऐसे अचानक से रोड पे दौड़ के आते हैं ना तो डर रहता है। कल भी मैं जा रहा था सामने, ये देखो बच्चे को, मतलब पूरी सड़क ये क्या कर क्या रहा है, ये पूरी सड़क छोड़ के ये बीच में क्यों चल रहा है। तो ऐसे अनोखे बच्चे मिलते रहते हैं रास्ते पे, इसलिए रोड पे ना हमेशा ध्यान दे के चलना चाहिए, खासकर ऐसे मार्केट एरिया में। तो कल मैं जो बता रहा था, कल मैं ऐसे जा रहा था और अचानक से बच्चा यहाँ सामने आ गया, तो वो स्कूल से निकल रहा था, तो उसने मुझे देखा, उसके फैमिली में मतलब पापा थे उसके साथ में, उन्होंने मुझे देखा तो रुक गए। वो बच्चा दौड़ के एकदम अचानक से आ गया, और मेरी स्पीड अप्रोक्स 20-25 होगी, फिर भी वो अंकल मुझे चिल्ला रहे थे। मैं रुका नहीं वहां पे, मैं थोड़ा जल्दी में था, तो अंकल मुझे पीछे से चिल्ला रहे, देख के नहीं चला सकते मतलब। और अब कितना देख के चलाए भाई, रोड पे चले ही ना क्या, ये यही पे था, यही पे ये स्कूल है ना, ये यहाँ से वो आ रहा था, मैं यही पे था। तो अब कितना देख के चलाए इंसान, और कितना देखे, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ। एक तो ये लोगों की उल्टे साइड आने की आदत भाई, उधर का पूरा रास्ता खाली है फिर भी अंकल को इधर से ही जाना है। पेट्रोल वाले तो चलो समझ आता है, पेट्रोल बचा रहे भाई, ई रिक्शा वाले क्या बचा रहे हैं, बैटरी कितने की बैटरी लग जाएगी भाई तुम्हारी। अरे पूरा रास्ता उधर का खाली है फिर भी इधर से जाना है रॉन्ग साइड से, क्या बताएं। अरे अंकल बीच रास्ते में आंटी खड़ी है, फिर बोलेंगे कि हम गलत चला रहे हैं। इंडिया में ना स्कूल्स में, एक्चुअली इंडिया में आई गेस स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए कि सिखाना चाहिए पहले बच्चों को, क्योंकि आगे जाके बड़े बड़े बनेंगे, तो उन्हें सिखाना चाहिए कि भाई तुम्हें रोड पे कैसे चलना है, रोड तुम्हें कैसे क्रॉस करनी है। क्योंकि बहुत लोगों को अभी नहीं पता, जैसे आपने देखा ना पीछे वो आंटी, उनको ठीक है, उन्हें ऑटो पकड़नी थी, जो भी पकड़नी थी, वो कितना आगे आके खड़े थे अगर पीछे से कोई गाड़ी अचानक से आ जाए। तो ये सारी बेसिक चीजें है यार, मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि ठीक है खड़े तो है रोड पे, इतना भी क्या है, बट भाई तुम रोड से कितना आगे खड़े हो वो तो देखो। फॉर्च्यूनर मौसम तो सच में बहुत अच्छा है यार, जितनी तारीफ करो कम है। ठंडियों का मौसम ना बेस्ट होता है बाइकर्स के लिए, कोई तेज धूप नहीं, हल्की हल्की ठंडी हवा, पूरा मजा आता है एकदम पूरा। और इसमें धीरे धीरे बाइक चलाने का तो मजा ही कुछ और है। तो यार
भाई ठीक है, यहाँ किसी की गलती नहीं है, बट क्या ही बोले। भाई के बाल, वाह, मुझे जलन हो रही है भाई के बाल देख के, इतने बड़े इतने लंबे। आंटी के इतने लंबे बाल नहीं जितने भाई ने कर रखे हैं। सही है यार, अच्छा है। आजकल नया शौक चढ़ा है लोगों को बाल बढ़ाने का, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। लाइक जब मैं चाइल्डहुड में था तो मैंने किसी इतने बड़े लोगों में कभी नहीं देखा कि कोई ऐसे बाल बढ़ा के चल रहा, बट अब तो ऐसे ट्रेंड में है बाल बढ़ा के चलने का। अच्छा, अपने अपने शौक है। वैसे तो कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो बाल बढ़ा के ही चलते थे, लाइक आपने फोटो में देखा होगा राम जी लक्ष्मण जी शंकर जी, तो आपने फोटो में जनरली नोटिस किया गया होगा, नोटिस किया होगा कि उनके बालों को जो वो बढ़ा के दिखाया जाता है। तो बहुत सारे मैंने रील्स भी देखे इस पे कि आप बाल क्यों बढ़ाते हो, तो फिर वो बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी ऐसे थे तो हम क्यों ना करें। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें लेना है आगे से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न, ऑटो वाले को बीच रास्ते में। ओ भाई इधर चेकिंग चल रही है क्या? एक्चुअली नवंबर का महीना जो होता है ना, वो मैंने सुना है कि पुलिस वालों के लिए थोड़ा टारगेट पूरा करने का महीना होता है, तो ये काफी ज्यादा चेकिंग वेकिंग करते हैं ऐसा सुना है मैंने। पता नहीं कितनी सच है या क्या है, पर सुना है मैंने काफी मेहनत कर रहे थे भैया वो, तो ऐसा मैंने सुना है कि ये नवंबर में टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो भी इनका टारगेट छोटा रहता है कि भाई आपको इतने चलान काटने हैं। पता नहीं, सुना है मैंने, बस इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने बस सुना और मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आएंगे बजरंग बली, जय बजरंग बली। बजरंग बली की पेंटिंग चल रही, भाई उनकी आंखें तो पता नहीं उसमें आंखें दिख रही या नहीं, बट आंखें उनकी पूरी व्हाइट कर दी गई है, तो वो बहुत ही भयंकर दिख रहा है वो। मतलब ऐसा लग रहा है कि सुपर गॉड मोड में है बजरंग बली अपने, अभी पूरी व्हाइट दिख रही है उनकी आंखें। डबल सवारी है भाई, कितना पीछे जाएंगे आप। और यहाँ से हमने लिया लेफ्ट टर्न, हमें लेना है और ये आ गया हमारा ऑफिस। तो भाई बच के पूरा रास्ता इतना अच्छा था, बट ये लास्ट का रास्ता इतना खराब क्यों है पता नहीं। और ये हम आ गए अपने ऑफिस के पास। ऑफिस खुला है? नहीं, हाँ ऑफिस खुला है। और हमने कर दिया यहाँ पे पार्क। तो चलो आज का ब्लॉग अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।